हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल अराउंडर ट्यूटोरियल्स में। मैं BSc मैथमेटिक्स के घात समीकरण का नेक्स्ट टॉपिक लीजेंड्रे ऑकलन इक्वेशन लाया हूँ। ठीक है, तो ये लीजेंड्रे का ऑकलन इक्वेशन क्या होता है। 1 - x² d² y / dx² -2 x dy / dx प्लस एन ब्रैकेट के अंदर n+1 y = 0। ये क्या है, लेजेंड्रे का इक्वेशन। जिस तरह आप बेसल का इक्वेशन होते उसी तरह नेक्स्ट क्या है, लेजेंड्रे का इक्वेशन। इसको भी आप घात श्रेणी में फ्रोबेनियस विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पास पूरा हल हुआ है, लेकिन मैं इस वीडियो में इसको नहीं बताऊँगा क्योंकि ये बहुत कम बार पूछा गया पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में। मैं जो इसमें लेजेंड्रे इक्वेशन सबसे IMP है, इसमें लेजेंड्रे फलन क्या होता है, जो यहाँ पास आप देख सकते हो dy/dx का जो गुणांक है और y का गुणांक, वो उसका px और qx, ये उसके फलन होते हैं। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ एक के बाद कि इसका कितना बार हुआ, दो बार ऑकलन हुआ है, लेकिन अगर इसका n बार ऑकलन होगा तो ये क्या होगा, pnx और qnx होगा। तो उसका जो फलन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेजेंड्रे फलन, बहुपद फलन। ठीक है, ये क्या है, उसका एकल फलन, क्या एकल फंक्शन हो गया फलन, लेकिन इसका एन बार ऑकलन करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, बहुपद फलन। जैसे क्या होगा, इसका जो बहुपद फलन जो इस पार्ट में सबसे ज़्यादा IMP है, ये लेजेंड्रे फलन। ठीक है, तो लेजेंड्रे फलन क्या होगा, PnX। ठीक है, इसका मान क्या होता है, 2n·(n)n·2। कोस्ट और फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर x·(n−1)/2 − 1 x·(-2) +n·(n−1)-2)-3 / 2·4 2n − 1 2n − 3 x·(n−4)। तो यहाँ पास क्या देख सकते हो, इसके घात में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये घटते जा रहे हैं, दो दो का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, इसको याद रखना। ठीक है, यही है इसका PnX। PnX मतलब लेजेंड्रे फलन। ठीक है, बहुपद लेजेंड्रे फलन है ये। और ये क्या है इसका, Qn, जैसे उसमें अभी बताया मैं, जस्ट द्वि बार हुआ था, डबल ऑकलन हुआ था, उसमें Qx था, तो वैसे ही इसका Qx में क्या होगा, ये मान होगा इसका। ठीक है, 2·n·n·2 / 2n+1 −1 − n − 1 और n+1 n+2 2 + 2n + 3 x·(n−n−3) और n+1 n+2 n+3 n+4 2 × 4 2n + 3 2n+5 × x·(n−5). ये क्या है, Q n x फलन। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये सबसे ज़्यादा IMP है, 7 से 8 बार आ चुका है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, PN के जनक फलन, इसको जनक फलन सिद्ध करो बोल देता है, या क्या बोलते थे, 1 − 2xt + t² − t² − t² πn/2 इक्वल क्या सिद्ध करो, जो उसका PnX फलन है वो Tn गुणांक के n से n जीरो से लेके अनंत तक गुणनफल के बराबर होता है, ये सिद्ध करो बोल देता है। ठीक है, तो ये किससे सिद्ध होता है, आपका द्विपद प्रमेय से। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लेना है, RHS लेना है। ठीक है, उसमें द्विपद प्रमेय लगाना है, द्विपद प्रमेय से प्रसार, जो द्विपद प्रमेय का आप सूत्र जानते होंगे, 1 − x·(-n), तो ये क्या होता है, उसका प्रसार होता है, 1 + nx + n और ब्रैकेट में n+1 / 2i x·(2), फिर उसके बाद क्या होगा, n·(n+1 n+2) / 3·x·(3), ऐसे ऐसे करके उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको यही चीज़ लगाना है यहाँ पास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, RHS ले लो। RHS लेने के बाद यहाँ पास देख सकते हो आप, टी कॉमन ले सकते हो, टी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पास लगा लो आप द्विपद प्रमेय। ठीक है, द्विपद प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा, ये -2 आगे आ जाएगा, -2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और ये 1/2 t (2x − t), तो ये दो वाला टर्म का काम तो हो गया यहाँ पास। दूसरा क्या है, स्क्वायर वाला, तो उसके लिए क्या करोगे आप, n मतलब क्या है, 1/2,
एक बटे दो में एक को जोड़ना है तो ये जुड़ गया, और नीचे में टू फैक्टोरियल है और इसका स्क्वायर करना है, तो ये पूरा क्या था उसका, एक्स का काम करेगा या पूरा, ये पूरा एक्स का काम करेगा, तो ये हो जाएगा भाई। वैसे इसके आगे बढ़ाओगे तो सेम क्या है, एन पद, यहाँ तक एन पद तक का, ये एन पद तक का जाएगा लास्ट पूरा एन पद, तो एन से पहले क्या आता है, एन माइनस वन पद आता है कि नहीं आता इससे पहले, तो उसके पहला पद के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेम एट इज इट एक बटा दो और एक बटा दो प्लस वन और डेस डेस एक बटा दो एन माइनस क्या हो जाएगा टू, टू क्यों, क्योंकि इसके घात में एक कम होना चाहिए पद में, जैसे यहाँ पर देखे हो अगर टू है तो क्या हुआ प्लस वन आया, तो यहाँ पास क्या होगा इसमें टू आ जाएगा, ठीक है, इसमें माइनस वन है तो उसका एक घात कम होना चाहिए, तो यहाँ पर दो आया था तो ये वन हुआ था, तो यहाँ पर टू की पावर टी की पावर वन माइनस एन माइनस वन है तो इसका क्या होगा एन माइनस टू होगा, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा पूरे की पावर एन माइनस वन, तो पूरे की पावर क्या होगा टू एक्स प्लस टी का क्या हो जाएगा पूरे की पावर एन माइनस वन, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद कौन सा पद आएगा एनवा पद, तो एनवा पद के लिए भी सेम वैसी एक बटे दो और वन बाई टू प्लस वन डेस डेस वन बाई टू एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल टी की पावर एन टू एक्स माइनस टी की पावर एन, ठीक है, प्लस होगा सॉरी सॉरी माइनस टी की पावर एन, ठीक है, ये कहाँ तक है पूरा एन टर्म के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पास आपको दिख रहा होगा ये क्या है बटे के रूप में, तो उसको क्या कर लेना आप सिंपल सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे कर लोगे, ये तीन बटे दो हो जाएगा मतलब एक इंटू तीन, मतलब एक गुना तीन मतलब वन इंटू थ्री हो जाएगा, ठीक है, वन इंटू थ्री और ये दो दो तो टोटल क्या हो जाएगा चार हो जाएगा, ये तो चार, ठीक, और वैसी इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या होगा ये स्क्वायर, अगर स्क्वायर को मैं खोलूँगा, ठीक है, मतलब इसको क्या करूँगा स्क्वायर को अगर खोलता हूँ तो क्या होगा a माइनस बी वाला आएगा, तो उसको अभी मत लगाओ सीधा वो जैसे वैसे रहने दो, तो वैसे अभी रख दिया, ठीक है, और इसमें क्या होगा आपका ये भी वन इंटू थ्री और ये टू एन माइनस थ्री, तो ये कहाँ तक का जा रहा है n माइनस वन, तो इसका पावर क्या होगा टू की पावर n माइनस वन, टू की पावर वन एन माइनस वन क्यों हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पास क्या था स्क्वायर था तो टू की पावर टू हुआ, समझो दो बार दो दो हुआ था ना, और यहाँ क्या है एन माइनस वन टर्म तक जाएगा, तो क्या होगा टू की पावर एन माइनस वन होगा, ठीक है, और उसके बाद ये एन टर्म के लिए, तो एन टर्म के लिए क्या हो जाएगा टू की पावर एन और वन इंटू टी थ्री और वन इंटू थ्री और ये एन की एन फैक्टोरियल हो जाएगा टू एन माइनस वन टी की पावर एन और टू एक्स माइनस टी की पावर एन, ये हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है इसको, इसमें ये देख सकते हो आप ये क्या होगा, ये तो कॉमन था उसमें, कॉमन नहीं था मतलब क्या था उसके गुणांक में था इतना, अब इसमें मैं इसको खोलूँगा मतलब स्क्वायर को अगर खोलता हूँ तो ये a माइनस बी का सूत्र लगेगा, a माइनस बी का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी में टू को क्या लिख सकता हूँ मैं टू सी वन लिख सकता हूँ, आपका क्या बोलते हैं संचय से, ठीक है, संचय से वैसे कर सकता हूँ, तो संचय से वैसे अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा आपका टू सी वन हो जाएगा और ये टू एक्स वन, टू सी वन मतलब टू ही आएगा ना, मैं अगर इसका निकालूंगा तो क्या हो जाएगा टू आई अपॉन क्या होगा इसका एन माइनस आर और आर आई होगा, ठीक है, तो वही होगा अंतिम में तो टू ही आएगा और इसका टू से टू कर रहा हूँ मतलब वन ही होगा, ठीक है, तो कुल मिला के वही सूत्र में लग रहा है ना, तो इसको मैं क्यों किया क्योंकि आगे वाला जो घात है वो बड़ा है तो उसमें मैं क्या आएगा उसका दो, जिसमें इसमें दो आएगा मेरे पता है, लेकिन वन जैसे ए प्लस बी का पावर छः आ गया तो छः का नहीं पता, तो उसमें क्या करना पड़ता है संचय लगाना पड़ता है, तो उसी कारण क्या किया मैं संचय लगा के बना रहा हूँ, ठीक है, तो वन इंटू थ्री हो जाएगा टू एन माइनस थ्री अपॉन टू एन माइनस आई मतलब फैक्टोरियल, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा इसमें टू की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ से आप निकाल दो भाई कॉमन या कॉमन नहीं मतलब इसमें इसका प्रसार करोगे तो क्या होगा टू की पावर एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन सी वन हो जाएगा, जैसे यहाँ पास क्या हुआ था टू से वन हुआ था तो यहाँ एन माइनस वन से सी वन हो जाएगा, और ये क्या होगा टू एक्स की पावर टू माइनस टू, टू क्यों हुआ क्योंकि इसमें इसका घात क्या होगा आने वाला इस घात से कम, ठीक है, और इसमें क्या होगा इसका घात इससे भी एक कम होगा तो ये थ्री हो जाएगा और ये स्क्वायर, ठीक, ऐसी एन टर्म के लिए निकालोगे क्या हो जाएगा एन टर्म के लिए
टू एक्स की पावर एन, ये तो बाहर में जैसे वैसी रहेगा, और ये एन एन से सी वन तक का टू एक्स की पावर एन माइनस वन, और टी ठीक है, और एन माइनस सॉरी सी एन से सी टू टू एक्स, और टू एन माइनस टू टी स्क्वायर, ये क्या होगा उसका टी एन के लिए। ठीक, तो यहाँ तक का क्या काम था, सिर्फ इसको हल करने का। अब जो असली जो इसका पूरा टर्निंग पॉइंट है, जो रियल है, वो चीज़ यहाँ से है, टी के गुणांक लेना है। टी का गुणांक मतलब आपको देखना है कि टी का गुणांक कहाँ कहाँ है, जिसमें सिर्फ टी एन हो ना, टी की पावर एन हो। जैसे यहाँ इसका अगर गुणा करूँगा तो क्या मिलेगा, सिर्फ टी की पावर एन मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसके इसके साथ गुणा कर देता हूँ तो क्या होगा, टी की पावर एन प्लस वन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास कुछ नहीं मतलब वन है, तो इसका एक और इसका एन दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, टी की पावर एन प्लस वन हो जाएगा। तो मेरे को उसको नहीं लेना, जिस सिर्फ टी का गुणांक, तो एक ये वाला मिलेगा गुणांक, और एक ये वाला मिल जाएगा यहाँ पास, सॉरी ये वन और ये वाला, ये एन ये टी और ये, हाँ ये वाला, इसमें क्या कुछ नहीं मतलब वन है, तो क्या हो जाएगा इसका एन और ये प्लस वन, तो ये माइनस वन और प्लस वन ख़त्म, तो टी की पावर एन बस रहेगा, तो ये गुणांक यहाँ पास मिल जाएगा। और एक कहाँ मिल जाएगा आपको, इसके जस्ट अगर आगे जाओगे, इस वाले जो है उसके श्रेणी के अगर आगे जाओगे, तो आपका चार घात वाला मिलेगा, तो चार घात में आपको स्क्वायर वाला भी मिल जाएगा, टी की पावर माइनस टू वाला, तो टी की पावर माइनस टू वाला मिलेगा, और इसके टू के ऊपर माइनस टू रहेगा, स्क्वायर और माइनस टू कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको एक टर्म और मिलेगा आगे में, तो उसी का इस टर्म को मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पास आप देख सकते हो टू माइनस वन है, फिर टू माइनस टू एन माइनस थ्री है, तो इसके बाद दो टर्म और घटेगा, मतलब क्या होगा, दो दो का गैपिंग आ रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो क्या होगा टू एन माइनस फाइव होगा, तो वाला एक पद को ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पास जो पहले वाला पहला पद में टू एन माइनस वन, इसको उभयनिष्ठ ले लो। ठीक है, इसको उभयनिष्ठ लोगे क्या हो जाएगा, इसको अगर उभयनिष्ठ ले लिए तो टी एन तो उभयनिष्ठ है पहले से ही, इसको उभयनिष्ठ ले लिए, तो यहाँ पर देखो आप टू एन तो अंदर में रहेगा, ठीक है, उसका कुछ नहीं, इसी क्लियर ये बच जाएगा। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास क्या है, टू एन है, टू एन कॉमन निकाल रहे, यहाँ पास है क्या टू एन, नहीं है ना, तो नीचे में क्या हो जाएगा, उसका गुना हो जाएगा। ठीक है, नीचे में गुना हो जाएगा, और आप क्या निकाल रहे हो, टू की पावर एन निकाल रहे हो, लेकिन यहाँ पास टू की पावर एन माइनस वन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू की पावर एन इंटू टू लिख सकता हूँ, तो दो बचेगा, मतलब माइनस, ये माइनस है ना, तो ये बटम होगा, तो बटम ही आ जाएगा, ये बटम है। ठीक है, इसका बटा आ गया ये। ठीक है, और इसमें सी, उसको इसमें क्या करना है, ये सी, इसको अगर मैं करूँगा सूत्र लगा दूँगा तो क्या होगा, सी एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल होगा। ठीक है, इसको करोगे इस फैक्टोरियल को, और टू एक्स की पावर एट इज इट होगा। सेम वैसी अगर इसमें क्या निकाल रहे हो, टू एन माइनस वन, तो इसमें है क्या, नहीं है, तो उसके नीचे में आ जाएगा ये वाला। ठीक है, और ये वाला आएगा, और दूसरा बात क्या हो रहा है, ये फाइव है टू एन माइनस, इससे पहले क्या थ्री वाला भी चीज़ हुआ होगा, थ्री वाला चीज़ तो वो भी चाहिए, तो उसके नीचे ये भी कॉमन निकल रहा है, बीच में ये भी कॉमन निकल रहा है, उसके कारण इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर में आपका क्या रहेगा, टू एन माइनस फाइव, तो ये क्या हो रहा है, कॉमन नहीं कर रहे लोग, तो पूरा कॉमन अगर निकल गया, पूरा अगर चीज़ कॉमन निकल गई इससे पहले वाला, तो ये वाला तो रहेगा ही नहीं, सिर्फ है, तो नीचे में क्या रहेगा, सिर्फ आपका एन। ठीक है, एन, ये एन क्यों आया, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फैक्टोरियल एन को कॉमन निकाल रहे हो, फैक्टोरियल एन को कॉमन निकाल रहे हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे से निकाल रहे हो तो ऊपर में गुना करना पड़ेगा, उसी कारण क्या हुआ, वो गुना। ठीक है, जैसे यहाँ पास हुआ, यहाँ पास क्या था, एन माइनस वन था, तो एन माइनस वन से पहले वाला टर्म को आप बाहर निकाल रहे हो, तो उसके लिए एन एन को गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ऊपर में एन हो गया, नीचे में क्या होगा, उसका कॉमन निकाल दिया। ठीक, अब यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास सेम ऐसे, इसमें क्या किए, इससे कॉमन निकाले, नीचे में गुना हुआ। ठीक है, अब यहाँ पास क्या करोगे, नीचे में क्या है, टू एन की पावर एन है, और यहाँ पास क्या है, टू की पावर टू एक्स की पावर एन है, तो यहाँ मैं दोनों, ये दोनों का पावर है कि नहीं, तो ये दोनों पावर है, तो इस पावर को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ टू एन, तो यहाँ पास क्या होगा, एक्स की पावर एन बस बचेगा, गुना होके ही आएगा वापस। ठीक है, और यहाँ पास अगर मैं निकाल रहा हूँ, अगर यहाँ पास मैं निकालता हूँ एक्स की पावर, तो यहाँ पास क्या है, टू की पावर, टू की पावर वाला तो है नहीं। ठीक है, सिर्फ क्या है यहाँ पास,
आप देख सकते हो यहाँ पास, जैसे यहाँ यहाँ पास अगर मैं निकालता हूँ, यहाँ पास क्या निकाल देता हूँ, 2 की पावर n को कॉमन निकाल देता हूँ, तो क्या बचेगा, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर n इंटू एक्स की पावर n, और नीचे में ये -2 है, मतलब 2 की पावर 2, और ये -2 ऐसा, ठीक है, ये -2 और दोनों गुना हो के ही मिल जाएगा वापस, तो इसको कॉमन निकालो नीचे में, तो ये बचेगा ना, ठीक है। वैसे सेम इसमें होगा, सेम इसमें अगर निकालूंगा 4 तक का, तो इसमें भी 4 बचेगा, और ये पावर वाला बाहर हो गया, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर अंदर में क्या बचेगा, पूरा ये इतना मान बचेगा, ठीक, ये मान, और नीचे में आप फैक्टोरियल में देख सकते हो, यहाँ पास क्या था, यहाँ पास आपका क्या था, पहले वाले पद में n-1 था, उसमें n का गुना करने के लिए, ऊपर नीचे गुना करने के लिए किया, तो ये आया, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा उसके पहले वाले पद के लिए, n-1, n-2 और n-3 का, क्योंकि यहाँ पास क्या है, n है, ठीक है, और ऊपर में आपको उसका गुना करना पड़ेगा, ठीक। अब इधर देखिए, यहाँ पास अब इतना आपको पूरा फैक्टर आ गया, ठीक है, इतना इतना फैक्टर अब क्या बन रहा है रियल में, अगर आप देखोगे तो इतना, ये पूरा मान क्या बना, ये पूरा मान आपका लेजेंडरी इक्वेशन बन गया पूरा, यहाँ पास पी एन एक्स बन गया, ये पूरा मान पी एन एक्स बन गया, और यहाँ पास अगर इसको आप देखोगे तो किसका श्रेणी है ये कुल मिला के कुछ नहीं है, बस ये है एन आई अपॉन एन आई है, कट के वही हो जाएगा, ठीक है, तो कट के वही होगा, तो अगर मैं ऊपर नीचे 2 की पावर n का गुना किया, जो काट दिया था ना उसी का अगर गुना कर दूंगा वापस, ठीक है, इसको काटना मत, इसको क्या कर देना, आगे ला देना, और ये पूरा क्या है, n फैक्टोरियल है, ठीक है, n फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 2n का पूरा फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे में 2n और ये i, ठीक है, और ये किसके गुणांक में, ठीक है, तो इतना मान किसका है, ये पूरा मान क्या है, ये पूरा मान क्या है, इतना pn x है, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर n और ये pn x, पूरा ये मान है उसका, और यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।